देशभर के ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का दूसरा दिन है। उनकी टेंशन की वजह है हिट एंड रन का नया कानून। इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। मामले में ड्राइवर को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। अभी तक इस कानून के प्रावधान थोड़े नरम थे। हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में आज दूसरे दिन मंगलवार को भी मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। सख्त प्रावधानों के जरिए सरकार की मंशा सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है, तो वहीं इसके उलट ड्राइवर इसे ज्यादती मान रहे हैं। अगर हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध की बात करें तो ट्रक और बस ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के एक प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। लापरवाही से गाड़ी चलाने और गंभीर सड़क दुर्घटना होने पर 10 साल तक की सजा 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना मौके से भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नए हिट एंड रन कानून का विरोध करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि हिट एंड रन के मामलों में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाया गया। पहले बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नए नियमों के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। देश भर में पहले से ही 25-30% ड्राइवरों की कमी है। ऐसे कानून ड्राइवरों की किल्लत को और बढ़ाएंगे। ड्राइवर 7 लाख रुपए की जुर्माना राशि कैसे भर सकता है? हिट एंड रन के नए कानून का मकसद सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है। हालांकि अभी तक इस तरह के मामलों में सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान था। अगर पुराने कानून की बात करें तो अभी तक हिट एंड रन मामले में IPC की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304A लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत केस दर्ज किया जाता है, जिसमें अब तक इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है और खास मामलों में IPC की धारा 302 भी जोड़ी जाती है। हिट एंड रन मामलों में किए गए कड़े प्रावधानों को लेकर चालकों में काफी आक्रोश है। उनकी मांग है कि इन प्रावधानों को वापस लिया जाए। साथ ही ड्राइवरों का कहना है कि जब तक नया कानून वापस नहीं होता तब तक बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। कई राज्यों में चालकों ने बस और ट्रक चलाने से इनकार किया। केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भी विरोध किया है। नए कानून को लेकर जहां एक तरफ सरकार इसे हादसे पर अंकुश लगाने की दिशा में एक नया कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर इसे खुद पर ज्यादती बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। बात मनेंद्रगढ़ की करेंगे, जहां कैबिनेट